सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने साथियों पर बरसाई गोलियां, 4 जवानों की मौत, 3 घायल। इस साल 119 विभूतियां पद्म अवार्ड से होंगी सम्मानित, 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण, 102 लोगों को पद्मश्री। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व, 4 दिन मनाया जाएगा छठ का महापर्व। 132 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम पहुंची रामायण एक्सप्रेस, सफर के दौरान यात्रियों ने महसूस किया भक्तिमय माहौल। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन, पीएम मोदी, नड्डा, अमित शाह और राजनाथ ने दी शुभकामनाएं।